समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आरएलडी, इस गठबंधन के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्री इंद्रजीत सरोजी, हमारे किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं देख रहा हूं पंडाल के नीचे तो हैं ही लोग, लेकिन हमें ऐसे भी कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आज गर्मी की परवाह नहीं है। ये सूरज जो गर्मी बरसा रहा है उसकी परवाह नहीं है, सर पे अंगोछा है, कुछ न कुछ ढका है, उसके बावजूद भी ये जोश और पार्टी के प्रति और गठबंधन के प्रति आपका जज्बा दिखाई दे रहा है। ये जिंदाबाद के नारे और ये चेहरे पे खुशी बता रही है कि इस बार यहां से गठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। बताओ साथियों, जीतेंगे अच्छे वोट से कि नहीं? ये जोश आपका कम नहीं होना चाहिए वोट की तारीख तक, ये जोश ऐसे ही बना रहे। इसलिए हम विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं आपसे कि ये चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। साथ ही साथ हमारे किसान, गरीब और नौजवानों के भविष्य का भी चुनाव ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आज जब हम फैसला लेने के लिए खड़े हैं, जब हम फैसला लेने जा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझ करके फैसला लें, और जिस समय आप आकलन करेंगे, सोच समझ करके फैसला लेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ छल किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले झूठ बोला था, आज भी जमीन पर कुछ नहीं उतार पाए हैं। बताओ 5 साल का हिसाब किताब लोगे? लेकिन 2 साल आपको बाबा मुख्यमंत्री के भी जोड़ दो तो बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, डर की राजनीति कर रहे हैं। बताओ डर की राजनीति से घबराएगा तो नहीं कोई? सुना है यहां पर डर के भी काम लेना चाहते हैं, डरा के भी काम लेना चाहते हैं। बताओ डरोगे और घबराओगे तो नहीं? ये गठबंधन के लोग डरने वाले नहीं हैं, ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। बताओ किसानों का क्या भाग्य बदला? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ा देंगे, इन्होंने कहा किसानों को हम लाभकारी मूल्य देंगे, लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे। अगर हमारे किसान भाई आए हैं तो वो जानते हैं, चाहे कोई फसल पैदा की हो, भारतीय जनता पार्टी के समय पर उनको मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हुआ, धोखा हुआ, और उनकी आय नहीं बढ़ी, आय में भी उनको धोखा मिला है।
हर चीज महंगी कर दी, महंगाई बढ़ा दी, ये डीजल पेट्रोल सब महंगा कर दिया, सफाई के नाम पर पैसा लेकर के महंगा कर दिया। हमारा किसान दुखी है, बर्बाद हो गया। अरे ये अभी चौकीदार वाली बात बाद में आएगी, रुक जाओ अभी। ए ये हमारे साथी, तुम्हें एक नहीं, ये बात समझ में आ गई? ये जो लोग कह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई है सबको? ये जो हमारा नौजवान साथी कह रहा है, ये बात सबको समझ में आ गई है? बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? जो लोग चाय वाला बन करके आए थे, चाय वाला बन करके आए थे, अब चौकीदार बन करके आ रहे हैं। चाय का नशा उतर गया है लोगों के अंदर, अब चाय का नशा नहीं बचा है। और अगर ये बात जान गए हो तो चौकीदार की ये चौकी छीनने का भी चुनाव है। बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे आप लोग? ये तो चौकीदार की बात हो गई, लेकिन आपके लखनऊ में भी कोई है बाबा मुख्यमंत्री, और उन्होंने ठोको नीति चलाई, ठोको नीति, और ठोको नीति ऐसी चलाई कि हमारी जनता को और पुलिस को यही नहीं पता किसको ठोकना है।